Morning, all of you. How are you? I am fine, and I hope you all are safe and fine at your home. So, student, today I am going to teach you English grammar. The topic of English grammar is sentence. Now, start the topic. What is sentences? A sentence is a group of words that give a complete thought. Sentence begin with a capital letters and sentence end with a punctuation marks. वो mark, full stop, comma, question marks कुछ भी हो सकता है. Now, how many types of sentences? तो there are four types of sentences. First, declarative sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence and fourth, exclamatory sentence. Now, we are learn these definitions. First, declarative sentence. A declarative sentence tell about some things. It ends with a full stop. यानि यह line वो ऐसे शुरू होती है या खत्म होती है जिसके अंत में full stop का marks होता है. जैसे हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं, आई हैव अ ब्लू ड्रेस, माई सिस्टर इज इन फर्स्ट ग्रेड, आई एम वॉचिंग अ मूवी. ठीक इसी तरह हम सेंटेंस के दूसरे काइंड्स में आते हैं जिसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क सम थिंग्स, यानी इस सेंटेंस में हम कुछ पूछते हैं. एग्जाम्पल में आप इसके बारे में पहचान के लिए इसे देख सकते हैं कि यह इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क्स. इसमें जब भी हम कोई लाइन या सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं तो इसमें क्वेश्चन मार्क्स लगा होता है. एग्जाम्पल, हाउ डू यू प्ले दिस गेम, व्हेन आर वी ईटिंग, वेयर हैव यू बीन. अब थर्ड में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में चलिए जानते हैं. अ इम्पेरेटिव सेंटेंस टेल्स समवन टू डू सम थिंग्स. हम इस सेंटेंस में किसी को भी कोई काम कहते हैं करने के लिए, मगर उसे हम आज्ञा नहीं देते, हम उसे रिक्वेस्ट के रूप में कहते हैं. लाइक क्लीन योर रूम, डू योर होमवर्क्स प्लीज़, पिक अप दोज क्लोथ्स. यानी हम काम तो दे रहे हैं मगर हम उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं, हम उसे रिक्वेस्ट के रूप में कहते हैं. फोर्थ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. इट एंड्स विथ अ दिस साइन. एग्जाम्पल, द डॉग हैज़ फ्लेश, माई हेयर इज ऑन फायर, द कार हैज़ अ फ्लैट टायर. In this way, we have learned some things about sentence and its kind. Please write and learn these. If you have any problem in this topic, then you can contact to your class teacher. Next video will be uploaded soon.